पर ये देखो गड्ढे कितने बड़े बड़े, वापस जा राखी। और मैंने वहाँ से लेना, कहाँ से ले, सौ भी आ रही है यहाँ सा टपरा बना के रखी, थोड़ा पिछवाड़ा भी जाना है, पेट्रोल डाला काम है भी ज्यादा है। तो हेलो गाइस, वीडियो एक बजे है शाम के 5:30। तो आज तुम्हारा भाई शाम के 5:30 बजे वीडियो स्टार्ट कर रहा और अपने इस सेटअप में स्टार्ट कर रहा है, जिसमें बहुत काफी मतलब काफी दिनों के बाद ही मैं स्टार्ट किया हूँ। रोस्टिंग छोड़ा उसके बाद थोड़ा बहुत बीच में किया था, उसके बाद आज कर रहा हूँ स्टार्ट एकदम शांति पूर्वक से बैठ के फोन को एकदम बगारा स्टैंड पे लगा के तब शूट कर रहा हूँ। तो अभी तो हमारा ये प्लान है कि अभी हमें जाना है राखी लेने, मतलब अपने लिए नहीं, हमारी बहनें तो पुणे पे है, उतनी दूर से चल के तो आ नहीं सकती, वो आई भी नहीं और उनको अभी अकेले आने भी नहीं देंगे ना, तो नहीं आ सकी। तो हमारे जो मामा लोग हैं, तो एक दो मामा तो यहीं रहते हैं, जो मेरी मम्मी के बुआ के लड़के हैं यहीं रहते हैं, और मेरे जो सगे वाले मामा हैं, हो सके अगर आएंगे तो फिर उनके लिए भी राखी ला के पहले से रख लेते एडवांस में। तभी जाता हूँ राखी लेने, राखी लेने जाएंगे कृष्णा मार्केट, वहां से राखी लेना, रुमाल लेना, एक दो तीन चीजों लेना है जो राखी का सामान होता है, क्योंकि मम्मी तो बोले कि तू ही चले जा लेने, मैंने सारा पानी गिर रहा कीचड़ की सब चीजें ना, मम्मी बोले तू ही चले जा, तू ला ले, मैं बांध दूंगी। तो मैं जाऊंगा लेने, उसके बाद देखता हूँ वहां शाम को कहाँ जाता है। मैंने मिश्रा को बोला शाम को चलते एमपी नगर साइड, क्योंकि मिश्रा भी रीवा से आ चुका है, तो मैंने उसको बोला भाई चलते यार, दो दिन से कहीं घूमा नहीं, घर पे बैठा हूँ मैं, बोर हो रहा हूँ मैं, और जिम भी बंद है जिसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तभी मैं और मिश्रा जाएंगे एमपी नगर, उससे पहले चलो काम कर लेते पहले ये वाला, ठीक है। और आज बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो में, कोई ना कभी कभार आलस आ जाता है। चलो फटाक से निकलते हैं, राखी लेते हैं। और भाई पानी तो सुबह से गिर रहा, पानी बंद नहीं हुआ सुबह से, और कल हमारा प्लान है वीआईपी रोड साइड जाने का, मतलब मॉर्निंग पे। मिश्रा बोला कि मॉर्निंग में चलेंगे वीआईपी रोड साइड घूमगा, क्योंकि मॉर्निंग में क्राउड कम रहता है, नहीं तो इवनिंग टाइम में भाई भयंकर वाला क्राउड रहता है। इसलिए हमने सोचा कि मॉर्निंग में जाके घूम घाम के वापस आ जाएंगे, और कल तो रक्षाबंधन भी है 11 तारीख है ना, तो कल रक्षाबंधन भी है, तो हमारी बहनें वीडियो कॉल से हमसे राखी बांधवाएंगी, कोई ना वो भी थोड़ा सुन करके दिखाएंगे अगर वीडियो कॉल से राखी बांधेंगे, ठीक है ना। तो चलो फटाक चलते राखी लेके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बात मुझको नहीं पता, जब जब मैं घर से निकलता हूँ तब तक पानी बहुत तेजी में गिरने लगा, और अभी भी देखो वही हाल है, पानी गिरने लगा अभी मैं घर से निकला हूँ। तो अब कोई ना, अभी यहाँ बैठो, एक अंकल ने ये अच्छा टपरा बना के रखा है, गार्ड अंकल है यहीं की कॉलोनी के, जिनने बना के रखा है यहीं बैठे हैं, पानी जब रुकेगा इसके बाद आगे निकलेंगे, ठीक है। बारिश की वजह से कसम से कह रहा हूँ बहुत दिमाग खराब होता है, पूरा दिमाग की लग जाती है हमारी, यहाँ खड़ी कर दिया और बाहर देख लो बारिश, क्या करे क्या मुसीबत है भाई। जब जब घर से निकलता तब तब यही होता है मेरे साथ। गाड़ी की सारी सीट गीली हो चुकी है, अब सेटनेस पहले सीट पूरी साफ करनी पड़ेगी, नहीं पूरा पिछवाड़ा गीला हो जाएगा। मैंने सोचा पानी रुकना तो राखी लेने चले जाते हैं, पर हमारे साथ ये हो गया, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ बैठेंगे बस, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ निकलते हैं, पानी थोड़ा धीरे हो चुका, फटाफट निकल लेते, ठीक है। और पहले हमें जाना है पेट्रोल डलाने, उसके बाद आगे जाना है जो राखी होकर लेने, उसके बाद जाना है। चलो गाड़ी की सीट साफ कर लेते हैं और निकल लेते हैं, ठीक है। हाँ अभी तो कम है, काम है कि ज्यादा है समझ में नहीं आ रहा है क्या। चलो अब निकलते ही, पहले क्या करें खड़े होके ज्यादा। बरसो बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बादल गरजा पानी बरसाए नदी। चलो ये पेट्रोल डल चुका है, अब यहाँ से निकल रहे अपन राखी लेने के लिए जहाँ जा रहे, ठीक है। अब वहाँ चलते राखी लेते हैं और आज जाएंगे इस रास्ते से, मतलब काफी दिनों बाद इस रास्ते से गए हैं, ये नई रोड बनी हमारे इधर की अभी ये। चलो चलते हैं, चुके हैं अब राखी लेना, कहाँ से ले, सर में भी आ रही भाई, सब जगह देखो लेडीज ही लेडीज ले रही है, हमें तो सर मारी। चलो भाई सारे सामान ले चुके हैं, और देखो राखी लेते समय ना मुझे सर मारे थे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं छुपी, क्योंकि बहुत सारी लेडीज खड़ी थी ना जिसके कारण। तब चलते फटाक से घर, और घर चल के थोड़ा बहुत काम है, वो काम करते उसके बाद देखते हैं एमपी नगर जाते हैं या नहीं जाते, ठीक है। ये देखो राखी लेके आ चुका हूँ, ये है राखी, और मैंने वहाँ सूट नहीं किया था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे शर्म आ रही, इतनी लेडीज सामान ले रही थी ना, और मेरी माँ मुझको भेजती है राखी ओखी लेने। तो भाई अधिक सीन ये है कि मुझे जाना है बाहर, पर अभी गिर रहा है पानी, यही बज रहे रात के 8, पर सोच रहा हूँ बाहर जाए थोड़ा बहुत घूम घाम के, घर पे रह के बहुत बोर हो रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से कहीं घर से बाहर निकला ही नहीं हूँ। तो मैं अभी सोच रहा हूँ, देखता हूँ अगर पानी हल्का से धीरे हो तो उसके बाद जाते हैं बाहर, जाते हैं विजय को, क्योंकि रोक रख विजय अपनी कोचिंग पे है, अजय भी बोल रहा है कि तू जल्दी आ जा, चलते हैं थोड़ा सा पानी रुक जाए उसके बाद चलते बाहर, ठीक है ना। भाई फिर से आ चुके हैं अपने स्टूडियो पे, अभी हमारा बाहर जाने का प्लान था, सबका प्लान बन चुका है, पूरी बारिश में गीला होते आएंगे, पर विजय फिर से कोचिंग से बाहर निकला, देखा भैया बहुत गैस पाया, उसने बोला प्लान कैंसिल। अभी अजय आ भी गया था घर के पास तक, मैंने उसको फोन लगा के बोला कि भाई मत आ वापस जा तू आ, क्योंकि उसके पास तो रेनकोट था, हमारे पास नहीं था, हमें ऐसे गीला होना पड़ता फिर सर्दी जुकाम होती, तो आज नहीं गया, इसलिए अभी इस वीडियो को कल तक ले जाना पड़ेगा आगे, कल वाले कल मिलते हैं सुबह फिर है ना, देखते हैं कल कहाँ जाते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलो भाई दूसरे दिन के स्टार्ट हो चुकी है, अब जाना है मुझे थोड़ा बहुत फल फ्रूट्स लेने, जो मामा लोग खिलाएंगे केलो ले, और मम्मी को फास्ट भी है, मम्मी को भी खाना है, मैं चलता हूँ लेके आता हूँ। और भाई जिस रोड से जाऊँगा उसमें बहुत भयंकर तरीके से पानी भरा हुआ है,
फिर भी कोई ना, तुम्हारा भाई जाएगा लेके आएगा और गाड़ी कुदाएगा, बस गाड़ी बंद हो जाए दिक्कत से बात करेगा। ठीक है चलो निकलते हैं यहाँ से। भाई अब घर से निकल चुका हूँ और देख लो जिस रोड पे कितनी गंदी रोड है। अभी तो पानी नहीं गिरा पर ये देखो गड्ढे कितने बड़े बड़े, और पानी गिर जाएगा ना इन सारे गड्ढों में भर जाएगा पानी। तभी अपन चल रहे सीधे यहाँ से सफारी लेना फल फ्रूट्स। देख लो वाटर क्रॉसिंग छोटी 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 ऐसे करके बहुत सारी आगे आगे तक है। ये सारे कॉलोनियों की रोड है, देखो पूरी बर्बाद है रोड, देख रहे हो? ओ भाई क्या गड्ढे क्या दचके हैं। भाई फाइनली आ चुके जहाँ से फल फ्रूट लेना है, फल फ्रूट हमें इस दुकान से लेना है, साइड में दिख रही बाजू में यहाँ से हैं यहाँ से। ठीक है अब चलते हैं। ओके भाई अब दूसरा रास्ता ले लिया, इस रास्ते से हम निकल रहे घर। ठीक है फिर ये थोड़ा सही रास्ता है, बाकी तो भाई बहुत खटारा रास्ता है, सीधे चलते हैं यहाँ से। तो भाई घर आ चुके, अब मैं सोच रहा इस वीडियो को यहीं पे एंड करता, और इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत ही था, कोई ना अभी एक दो दिन एडजस्ट कर लो, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग करना है, कुछ ना कुछ करके शूट करके डालना ही पड़ेगा मुझे, इस चक्कर में डालना पड़ा। और आज का प्लान देखते हैं कहाँ जाने का है। मैं नाइट आज तो जाऊँगा ना कहीं ना कहीं घूमने जाऊँगा, भले कितनी बारिश हो, आजकल के जितने प्लान कैंसिल होते हैं सब बारिश की वजह से होते हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो के यहाँ तक देखा जरूर आपको पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।